see your bounce to this, कुछ दिनों से अजय देवगन और तब्बू लीड रोल वाली फिल्म भोला काफी ज्यादा सुर्खियों में रही है। अजय देवगन की डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म की शूटिंग अब पूरी हो चुकी है। फिल्म की लीड एक्ट्रेस तब्बू ने सोशल मीडिया पर फिल्म के सेट से एक तस्वीर भी शेयर कर फैंस को ये जानकारी दी है। इस तस्वीर में तब्बू के साथ अजय देवगन भी नजर आ रहे हैं। अजय देवगन और तब्बू के एक साथ 9वीं फिल्म है। तब्बू ने तस्वीर के कैप्शन में लिखा, देखिए हमने साथ में 9वीं फिल्म पूरी कर ली। डायरेक्टर के तौर पर अजय देवगन की 4थी फिल्म है। इससे पहले वो यू मी और हम, शिवाय और रणवीर 34 जैसी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। अजय से पहले फिल्म का डायरेक्शन धर्मेंद्र शर्मा करने वाले थे, लेकिन बाद में अजय देवगन ने खुद अपने हाथों में ये काम ले लिया। बता दें कि भोला साल 2019 में रिलीज हुई तमिल सुपरहिट फिल्म कैथी की हिंदी रीमेक है। फिल्म की कहानी एक ऐसी सजा काट चुके व्यक्ति के बारे में है जो जेल से छूटने के बाद पहली बार अपनी बेटी से मिलना चाहता है, लेकिन उसका सामना पुलिस और ड्रग माफिया से होता है। फिल्म में तब्बू एक बड़ी पुलिस अधिकारी की भूमिका में नजर आने वाली है। इससे पहले तब्बू और अजय देवगन ने विजयपथ, हकीकत, तक्षक, फितूर, दृश्यम, गोलमाल अगेन और दीदी प्यार जैसी फिल्मों में भी काम किया है। दोस्तों आपको बता दें कि ये दोनों भोला के अलावा दृश्यम 2 में भी नजर आने वाले हैं। दृश्यम 18 नवंबर को जहां रिलीज होगी, तो वहीं फिल्म भोला अगले साल 2023 में रिलीज होने वाली है। फिल्म की शूटिंग के बाद से ही तब्बू और अजय देवगन सुर्खियों में बने हुए हैं और इस फिल्म के अनाउंसमेंट को लेकर भी अजय देवगन और तब्बू काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। इसी के साथ फैंस को भी अजय देवगन की फिल्म भोला का बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म भोला को लेकर कई तरह की और बातें भी सामने आ रही हैं, लेकिन इस बीच भोला की ट्रेलर को लेकर भी कहा जा रहा है कि फिल्म का ट्रेलर अगले साल 2023 के पहले महीने में यानी कि जनवरी में ही रिलीज हो जाएगा। कल आपको हमारे इस वीडियो के जरिए भोला से जुड़ी ये अपडेट जानकर कैसे लगा, इस पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।